कल गयाना में बारिश जरूर पड़ी हो और एक बार को लगा हो कि गई सीरीज हाथों से, लेकिन जब सूर्य चमका तो ऐसे चमका कि पूरी वेस्ट इंडीज की टीम उसकी चमक के आगे फीकी पड़ गई। करो या मरो के तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 44 गेंदों में 83 रन बना दिए, साथ ही तिलक वर्मा ने उनका बेहतरीन साथ देते हुए 49 रन बनाए। चलिए मैच में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ शुरू से जानते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 159 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की ओर से ब्रेंडन किंग ने 42 गेंदों में 42 रन की धीमी पारी खेली, वहीं रोमन पावेल ने मात्र 29 गेंदों में तूफानी नाबाद 40 रन बनाए। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, वहीं पर अक्षर पटेल और मुकेश कुमार को एक एक विकेट हासिल हुआ। एक बात जो पूरे मैच में मैं सोचता रहा कि हार्दिक पांड्या ने मुकेश कुमार को बॉलिंग क्यों नहीं दी, क्यों 17वें ओवर में उनको लगाया गया, और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया क्योंकि उन्होंने पहली ही बॉल पर विकेट चटका दिया। वो अपने आप को साबित जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी ओर ध्यान सभी लोगों का कम ही जा रहा है। चलो एक बार को मान भी लें कि कप्तानी में ऐसा कई बार देखा जाता है। 160 रन के बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी भारत ने अपना पहला विकेट इनिंग की चौथी बॉल पर यशस्वी जायसवाल के रूप में मात्र 6 रन के स्कोर पर खो दिया। उन्होंने मात्र 1 रन बनाया। शुभमन गिल फिर से फेल रहे और वो मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चल दिए। एक पल को लगा कि गया मैच, एक पल को लगा कि गई सीरीज, गई भैंस पानी में, क्योंकि बरसात होने लगी थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जो तिलक लगाया वो काबिलियत तारीफ था। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच 87 रन की साझेदारी हुई और कल दोनों ने भारत की नाक बचा ली। सूर्य कुमार ने 83 रन बनाए, वहीं पर तिलक वर्मा ने नाबाद 49 रन की पारी खेली। वेस्ट इंडीज़ की ओर से अल्जारी जोसेफ ने 2 विकेट और मकाए को 1 विकेट मिला। भारत ने यह मैच 17.5 ओवरों में अपने नाम कर लिया। अब एक सवाल आप लोगों के लिए है, क्या भारत टी20 सीरीज को अपने नाम कर सकता है? जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइए। धन्यवाद।